हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल के गेट के सामने भारी भूस्खलन, बाल बाल बची, कार सवार की जान। कांगड़ा में पठानकोट मंडी हाईवे पर फिर से लैंडस्लाइड, हाईवे बंद, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। उधम सिंह नगर में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके जलमग्न हैं। नेताओं ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया है, हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। बाढ़ में फंसे लोगों की मदद में जुटा प्रशासन, एसडीएम ने बांटे राहत सामग्री और भोजन। विकासनगर में भारी बारिश से पहाड़ दरकने का लाइव वीडियो सामने आया है, इलाके में हड़कंप। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का दिखा प्रकोप, बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से कई घरों में पानी घुस चुका है। गोपालगंज में गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों में दिखा बाढ़ का कहर, आवागमन के लिए लोग नाव का सहारा लेने पर मजबूर। असम के धेमाजी में बाढ़ जैसी स्थिति है, ब्रह्मपुत्र नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से बाढ़ आई है। जबकि हिमाचल मंडी में लैंडस्लाइड से भीषण हादसा, कार पर पत्थर गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई, 3 गंभीर तौर पर जख्मी है। केदारनाथ हाईवे पर मलबे की चपेट में आने से 5 तीर्थ यात्रियों की जान जा चुकी है, घटना के दूसरे दिन निकाले गए यात्रियों के शव। जबकि मौसम विभाग ने जारी किया है देहरादून समेत 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में आ सकती है बाढ़। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ यात्रियों से अपील की है, मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद ही जारी करें अपनी यात्रा। मलेशिया से संगरूर की रहने वाली लड़की ने वीडियो बनाकर लगाई मदद की गुहार, एजेंट पर बेचने का आरोप लगाया, परिजनों ने सरकार से लगाई गुहार, ट्रेवल एजेंट पर कार्रवाई करने की मांग। शिवपुर में छात्राओं से सरेराज छेड़खानी करने वाले मंचले को लोगों ने पकड़ा, जमकर धुनाई किया, पुलिस के हवाले किया। बीकानेर के एक रेस्टोरेंट में युवक की चाकू मारकर हत्या, मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया है गिरफ्तार। इंदौर पुलिस अब व्हाट्सएप पर सुनेगी लोगों की शिकायतें, पुलिस ने की अनोखी पहल। जबकि आगरा पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम ने करोड़ों रुपए की नशीली दवाएं जब्त की है, कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास। उधर बिहार के वैशाली में आईएएस के पाठक ने किया स्कूल का निरीक्षण और के पाठक ने शिक्षकों के साथ गाली गलौज की। आजमगढ़ में सगे मामा ने ही कर दी भतीजी की हत्या, ऑनर किलिंग का मामला। यूपी के संभल में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मध्य प्रदेश के शिवनी में कूड़ा चुनने वाली से छेड़खानी के बाद मारपीट, आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। पुणे में तेज रफ्तार कार, मासूम बच्चे को उसने रौंद दिया, शराबी ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। सूरत में जीआरपी जवान ने कार ड्राइवर को थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल होने के बाद सस्पेंड किया गया। मुजफ्फरनगर में टोल प्लाजा कर्मियों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है, जांच कर रही है पुलिस। चाईबासा में नक्सल मुक्त अभियान के दौरान 1 सीआरपीएफ के जवान की जान चली गई है, घायल जवानों का इलाज चल रहा है। सवाई माधोपुर में कुएं में मिला 16 साल की लड़की का शव, जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के गोंदिया में कार की टक्कर से गई बाघ के बच्चे की जान, 2 साल थी शावक की उम्र। आगरा में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला शातिर गिरफ्तार हुआ है, फर्जी कंपनी बनाकर लोगों को लगा रहा था यह चूना। शिक्षा नगरी कोटा से आया सुसाइड का मामला, 2023 में आत्महत्या की संख्या पहुंची 20 के पार। सोलन में 2 भाइयों की चाकू गोदकर हत्या, लाइव वीडियो कैमरे में कैद। प्रयागराज में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाशों को गोली लगी है, 5 गिरफ्तार किए गए हैं। उधर चंडीगढ़ के एक कॉलेज कैंटीन में 2 लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई, वीडियो वायरल हो रहा है। चंद्रपुर में कंपाउंडर की लापरवाही से मरीज के शरीर में घुस गई सुई, सुई निकालने के लिए डॉक्टर ने मरीज की जान के साथ किया खिलवाड़। उत्तराखंड के टनकपुर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है, तेल के टैंकर में छुपाकर तारपीन और विरोजा की तस्करी का भंडाफोड़ हुआ है। टनकपुर में वन विभाग की रेड में चोरी के मामले में ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है, अल्मोड़ा से टनकपुर के रास्ते में गश्त काफी तेज। मध्य प्रदेश के सीधी में आदिवासियों के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की, 4 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। शराब माफिया लक्ष्मण देवासी की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 आरोपियों को इस मामले में किया गया है गिरफ्तार। कैमूर में बाइक और ट्रक की भिड़ंत, 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि सोनीपत में 6 साल की मासूम के साथ रेप, बच्चे की हालत गंभीर, आरोपी फरार। मोतिहारी में बदमाशों ने दबंगई पर फूटा लोगों का गुस्सा, आगजनी करके रास्ता जाम किया गया।
कटनी में एक आरक्षक ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की, बनाया खुद का वीडियो। बांदा से नाबालिग को बिजली के खंभे से बांधकर ग्रामीणों ने किया प्रताड़ित, वीडियो वायरल। मथुरा में मृतक को जिंदा दिखाकर जमीन हड़पने की कोशिश, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कर रही है पुलिस। उधर मध्य प्रदेश के सागर को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे करोड़ों की सौगात, कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करने वाले हैं, 100 करोड़ की लागत से हो रहा है मंदिर का निर्माण। पीएम मोदी कोटा बीना रेल मार्ग के दोहरीकरण और सड़क परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे, कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री। बीना रिफाइनरी विस्तार प्रोजेक्ट की पीएम आधारशिला रखेंगे, 50 करोड़ की लागत से बन रही है ये रिफाइनरी। पीएम मोदी दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री धाना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, सभा को संबोधित करेंगे पीएम। उधर पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर कोलकाता पहुंचे हैं जेपी नड्डा, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर कच्छ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कच्छ में इफको के नए नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे, कोटेश्वर महादेव में जाएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज से 2 दिवसीय वायनाड के दौरे पर राहुल गांधी, जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने राजघाट, दिल्ली गेट, आईटीओ से प्रगति मैदान का निरीक्षण किया, जायजा लिया। लोकसभा में मॉनसून सत्र के अंतिम दिन गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया सीआरपीसी संशोधन बिल, अमित शाह बोले न्याय सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता लक्ष्य। न्याय संहिता में बदलाव के लिए आया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, राजद्रोह समेत कई कानूनों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। अब भारतीय दंड संहिता की जगह लेगी भारतीय न्याय संहिता, राजद्रोह कानून किया जाएगा पूरी तरह से खत्म, शाह ने कानून को बदलने के लिए 3 बिल पेश किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बिल पेश करते वक्त कहा अब नहीं चलेगा अंग्रेजों का कानून। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 20 जुलाई को शुरू हुआ था लोकसभा का मॉनसून सत्र। पीएम मोदी के भाषण को लेकर राहुल का प्रहार, का संसद में 2 घंटे 13 मिनट बोले हैं पीएम मोदी, मणिपुर हिंसा पर सिर्फ 2 मिनट की बात करी। भारत माता की हत्या पर राहुल ने दी सफाई, का संसद में मैंने कहा था भारत माता की हत्या की गई, मणिपुर को भारत में किया गया खत्म, ये नहीं है खोखले शब्द। मणिपुर में हो रही हिंसा को लेकर बोले राहुल, कहा 2 घंटे में सेना संभाल सकती है हालात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जलाना चाहते हैं मणिपुर, बुझाना नहीं। राहुल गांधी ने कहा मैं कर रहा हूं अपना काम, जहां जहां भारत माता पर हमला, रक्षा के लिए रहूंगा मौजूद। उधर राहुल गांधी पर संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, कांग्रेस शासन के वक्त भारत माता बोलने पर हो जाते थे केस दर्ज, भारत माता को नहीं समझते राहुल गांधी। जबकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मणिपुर पर दिए राहुल गांधी के सुझाव को खारिज कर दिया है, कहा मुद्दा 2 समुदायों के बीच का है, सेना की तैनाती ठोस विकल्प नहीं है। कांग्रेस ने राज्यसभा में उठाया अधीर रंजन चौधरी के निलंबन का मुद्दा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अधीर रंजन के निलंबन का आधार कमजोर है। राज्यसभा में बोले मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी ने सिर्फ नीरव मोदी कहा, नीरव का मतलब शांति और मौन होता है। अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जस्टिस भट्ट ने कहा चिंताजनक बात यह है कि जेल या हिरासत में ये चीजें होती क्यों है। जस्टिस भट्ट ने सुनवाई के दौरान की बड़ी टिप्पणी, कहा ऐसा लगता है कि कोई साठगांठ,